तो दोस्तों आपने देखी थी किस तरीके से यहाँ पर जो है लाइव मछली पकड़ी जाती है, फ्रेश मछली होती है, तो ये सारी जो मछली मिलेगी ना आपको फ्रेश मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने लाइव मछली पकड़ी, इतनी बड़ी मछली। अरे बाप रे, मैंने पहले कभी जिंदगी में इतनी बड़ी मछली लाइव नहीं देखी। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं हूँ अभी केरला में, और जब हम केरला की बात करते हैं तो सी फूड आपको याद आता है। और दोस्तों यहाँ के फ्रेश मछली मछलियों की बात की जाए ना, बहुत ही बढ़िया होती है। देखिए मछली आपने खाई तो होंगी, लेकिन इसके पकड़ने का प्रोसेस क्या होता है और बड़े स्केल पर कैसे पकड़ा जाता है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा और लाइव दिखाऊँगा। तो मैं इस समय जो हूँ बिल्कुल समुद्र बीच पर हूँ, ये पीछे आप मेरे समुद्र देख सकते हो। और दोस्तों बताना चाहता हूँ ये जगह जो बोली जाती है, ये बोली जाती है फोर्ट कोची बीच, और यही मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ लाइव मछली किस तरह पकड़ते हैं। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये सारी जो मछली मिलेगी ना आपको फ्रेश मिलेगी, और मैं तो अब ये आपको जो दिखाने वाला हूँ ना वो दिखाने वाला हूँ वो पॉइंट जहाँ से मछली पकड़ी जाती है, जो काफ़ी फेमस पॉइंट है। और फिश जो है चाइनीज़ फिश के नाम से नेट होता है, बहुत बड़ा नेट होता है ये, देखो अभी हम करीब से आपको दिखाने वाले हैं, और हमें अनुमति मिली तो हम अंदर से भी आपको दिखाएंगे। यहाँ जो मछली मिलेगी ना आपको फ्रेश मिलेगी, और उसकी वैरायटी जो होती है ना बहुत सारी होती है, यानी 10-20 टाइप की यहाँ पर मछली होती है। अभी हम वहीं लेके चल रहे हैं आपको। तो दोस्तों ये जो घाट है ना ये बोला जाता है फोर्ट कोची बीच, और ये देखिए यहाँ पर ये चाइनीज़ मांझे के द्वारा यानी चाइनीज़ जो जाल होता है उसकी सहायता से किस तरीके से ये मछली पकड़ते हैं, ये इनका पूरा प्रोसेस होता है। यकीन मानिए इससे पहले आपने इतने बड़े लेवल पर नहीं देखा हुआ किस तरीके से पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर इसको डुबोया जाता है और किस तरीके से मछली निकाली जाती है। मैं जूम करके दिखाऊंगा अभी आपको, आप खुद देख सकते हो किस तरह एक बंदा जो है उसके ऊपर चढ़ गया, कितना बड़ा रिस्क होता है, नीचे कितना खाई पानी है और किस तरीके से इन्होंने देखो अब ये अंदर जा रहा है। ये देखो दोस्तों मैं अभी आपको करीब से दिखाऊंगा, और इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ और काफ़ी रिस्क भी है नीचे जाना क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं था। तो आप यहाँ से देख सकते हो किस तरीके से ये जो है मछली पकड़ते हैं। देखो इन्होंने पानी के अंदर डाला था, अब इसे खींच रहे हैं तो ये ऊपर आ रहा है, जब ऊपर आएगा तो जाल आएगा और जाल में आपको जो है मछलियाँ दिखाई देंगी। अभी मैं जूम करता हूँ, यहाँ से देखिए ओ दोस्तों ये देखो, अरे बाप रे, ये देख सकते हो किस तरीके से मछली पकड़ी जाती है। तो इस तरह दोस्तों वाकई में ये जो पल है ना बहुत अद्भुत पल है, और देखो ये मछली पकड़ी ली उन्होंने। अब इसमें इनमें की किस्मत होती है कि एक बार में कितनी मछली पकड़ रहे हैं, ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। और ये जाल दोस्तों यहाँ पर ना फोर्ट कोची में हर जगह पे आपको मिलेगा, और दोस्तों हर 15 मिनट बाद यानी हर 15 मिनट बाद ये जो है इस मछली को पकड़ते हैं, और इसकी बहुत सारी वैरायटी बन जाती है। देखो अब दोबारा इन्होंने फिर जाल को अंदर डाल दिया है, जब जाल को अंदर डालेंगे तो इस सिरे को ऊपर होना पड़ेगा, और इसमें इन्होंने पत्थर लगा रखे हैं, बहुत रिक्सी वाला काम होता है। अपनी ज़िंदगी पर खेल कर किस तरीके से ये मछली पकड़ते हैं हमारे लिए और बहुत सारी वैरायटी के साथ। कौन सी करमी? अच्छा और कतला बोलते ना? कौन से? कतला और मलेट। ओके पॉम्फ्रेट। अच्छा जिंगो स्क्विड्स केकड़ा बॉक्स में। ओके बॉक्स में केकड़ा, और ये इधर जो होती है ओके ये वाला कैल्शियम फिश। ओके ये वाला करमी, और ये सोल फिश। ओके ये वाला ओलमिक्स। ओके तो ये मछली की वैरायटी है, और ये फ्रेश मछली होती है जो कि यहाँ से जब मैंने आपको दिखाई थी लाइव किस तरीके से ये लोग मछली को पकड़ते हैं, और जो प्रोसेस होता है ना काफ़ी हार्ड होता है, इतना आसान होता नहीं है। तो अगर आप यहाँ आए तो आप मछली का जो है आनंद ले सकते हैं फ्रेश मछली का। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, और अब मैं जो है ना आपको करीब से दिखाता हूँ क्योंकि हमें अंदर जाने की एंट्री मिल गई है। ये लोग मान नहीं रहे थे, फिर जब मैंने इनसे कहा कि मैं दिल्ली से आया हूँ तो बोले चलो ठीक है। तो मैं लाइव आपको यहाँ से प्रोसेस दिखाता हूँ यहाँ से जाकर। तो फाइनली दोस्तों हमें अंदर जाने की अनुमति मिल गई है, इसके लिए हमें थोड़ी एक रकम भी दी इनको, छोटी सी रकम हमने इनको दी। हालांकि ये मेहनत करते हैं, ये डिजर्व करते हैं। तो यहाँ से मैं पहली बार आपको लाइव दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ये मछली पकड़ते हैं, और इनका ये जो चाइनीज़ जाल बोला जाता है किस तरह काम करता है, और ये काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि आपको पता है केरला जो है वो सी फूड के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इनकी नाव पर, जी हाँ दोस्तों इनकी नाव पर आ चुके हैं, और यहाँ से मैं आपको जो है मछली दिखाता हूँ जो इन लोगों ने मछली पकड़ी है। अरे बाप रे, ये देखिए कितनी बड़ी मछली इन्होंने पकड़ी है, मैंने तो भाई यकीन मानिए डर लग रहा है मुझे देखकर इस मछली को, क्योंकि इतनी बड़ी मछली लाइव इन्होंने पकड़ी है, ये सरप्राइज़ है। और दोस्तों यही इनकी सबसे बड़ी जो है कमाई होती है कि ये एक दिन में कितनी मछली पकड़ सकते हैं। ये दोस्तों केरला में बोल रहे थे इसलिए इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी आप देख सकते हो। ये एग्जैक्टली एक बार में मछली पकड़ते हैं, फिर उस मछली को छांटते हैं, उसके बाद उसको जो है अलग अलग कर देते हैं, और फिर वो वैरायटी बन जाती है।
यहाँ पर बहुत सारी मछली है, अगर आपको नाम पता हो तो मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पर ये देखिए फ्रॉन मछली है, और कांटे वाली मछली भी होती है, केकड़ा मछली भी होती है, दीज आर सो मैनी फिशेस वैरायटी आप देख सकते हो। यहाँ पर यह बहुत सारी मछली जो है आप देख सकते हो, और मैं आपको खुद द्वारा बताऊँगा किस तरीके से ये लोग काम करते हैं और इनका जाल कैसे काम करता है। तो ये आप इनका जाल देख रहे हैं, देखो इन्होंने अब इसको ये खींच रहे हैं, यानी पानी के अंदर इन्होंने मछली पकड़ ली है, अभी खींचेंगे तो जब खींचेंगे तो जो जाल है ना वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। और इन्होंने क्या करा है बैलेंस करने के लिए, देखो कितने सारे लोग इस जाल को खींचते हैं, ये देखिए कितना रिस्क वाला काम है, साथ ही साथ पत्थर लगा रखा है इन्होंने, ये देखो कितना मेहनत काम है, ये दोस्तों इतना आसान नहीं होता। ये किस तरीके से देखो ये खींच रहे हैं, और खींचने के बाद जब अब ये देखो उस साइड जाएंगे, उस साइड जाने के बाद कितना रिस्क वाला काम है, ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नीचे पानी काफ़ी गहरा होता है। खैर इन लोगों को तो प्रैक्टिस होती है। आपको देखो कितना बड़ा जाल, मेरे हिसाब से अभी तक इतना बड़ा जाल मैंने नहीं देखा मछली का। और किस तरीके से अभी मछली पकड़ेंगे ये देखना, ये देखो अब इन्होंने जाल में मछली पकड़ ली, अब कांटे की सहायता से मछली को पकड़ेंगे। अब मैंने पूछा भाई कितनी मछली पकड़ते हैं, तो ये कहते हैं ये लक पर डिपेंड करता है कि एक बार में कितनी मछली आ जाए, 10 किलो आ जाए, 20 किलो आ जाए, 30 किलो आ जाए, 5 किलो आ जाए, ये इनका लक है और यही इनकी ज़िंदगी है। यानी इन मछुआरों की ज़िंदगी यही है फिशरमैन की, कि ये बेचारे सुबह से लेकर शाम तक जो है मछली पकड़ते हैं। और इस पूरे फोर्ट कोची बीच पे आपको जगह जगह पर नेट मिलेंगे, और ये पूरा एरिया जो माना जाता है वो मछली पकड़ने वाला एरिया माना जाता है। अब देखो यहाँ से इन्होंने मछली पकड़ ली, और ये यहाँ से ला कर दिखाएंगे आपको कि कौन कौन सी वैरायटी इन्होंने जो है पकड़ी है। तो दोस्तों फाइनली मछली पकड़ ली है, और दूसरा भाई देखो ये देखो किस तरह से इन्होंने जाल डाला और ये मछली पकड़ी इन्होंने, उसका स्टाइल। उसके बाद अब ये वाले जो भाई हैं दूसरे, ये देखो ये मछली लेकर आएंगे, और रास्ता देखो दोस्तों कितना रिक्सी वाला रास्ता है। अब इन्होंने जाल को फिर दोबारा अंदर डाल दिया, देखो जाल को अंदर डालने का तरीका क्या है, ऊपर से उठाया और उस साइड को जो है पानी के अंदर डाल दिया। अब यहाँ आकर ये जो है इस मछली को लोड देंगे, ये देखिए कितना हार्ड प्रोसीजर होता है। ये मछली आप देख सकते हो जो मछली ये पकड़ कर लेकर आए हैं, और इसके अंदर मछली देखो किस तरीके से जो है फड़फड़ा रही हैं, मतलब फ्रेश मछली एकदम ताज़ी मछली। और यहाँ पर लोग ख़रीदते हैं, अगर आपको भी पसंद है मछली तो यहाँ का आप ख़रीद सकते हो। और देखो यहाँ कितनी सारी वैरायटी हैं, और फिर इसकी क्या होगा छटनी करेंगे, छोटी मछली अलग रखेंगे, बड़ी मछली अलग रखेंगे, फ्रॉन अलग रखेंगे, दूसरी अलग रखेंगे, यहाँ पर जो है छटनी हो जाएगी। और ये इस तरीके से इनकी दिनचर्या होती है, काफ़ी मज़ा आया इस प्रोसेस को देखकर। तो दोस्तों आपने देखी थी किस तरीके से यहाँ पर जो है लाइव मछली पकड़ी जाती है, और फ्रेश मछली होती है, और ये लक होता है कि एक बार में कितनी मछली पकड़ी जाए, बाकी वैरायटी बहुत सारी होती है। साथ ही साथ इनका जो प्रोसेस होता है ना बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। देखो अभी भी किस तरीके से पत्थर बंधे हुए, किस तरह से निकालते हैं, किस तरह डालते हैं, ये काफ़ी हार्ड होता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बाहर तो मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से इनकी जो है यही जो है मछली बाहर जाकर वैरायटी बन जाती है। तो अब मैं जा रहा हूँ, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और दोस्तों केरला जो जाना जाता है वो सी फूड के लिए जाना जाता है, तो यहाँ से आप परचेस भी कर सकते हो, और बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल अरबाज ब्लॉग के नाम से, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पर है अरबाज ब्लॉग के नाम से फेसबुक पेज है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।